के संग उड़ चली, तनक के संग जुड़ चली। ब्यूटीफुल, आपकी मोहब्बत से मैंने अपने आप कितना बदल लिया। मुझे यकीन ही नहीं आ, यू आर लुकिंग सो प्रिटी। मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पा रहा। हैरत है, अपनी बीवी को नहीं पहचान पा रहे। तुम उस सनम से बहुत मुख्तलिफ हो, इसलिए नहीं पहचान पा रहे। तो बट सीरियसली, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने मेरे लिए अपने आप को चेंज किया। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी। आज पहली बार मेरे दिल को अच्छी लगी। आज से पहले कभी नहीं अच्छी लगी। नहीं, पहले भी लगी, लेकिन जितनी अच्छी आज लग रही हूँ मैं बयान नहीं कर सकती। थैंक यू। शराफत साहब, शराफत साहब जी, आखिर मैडम कब आएंगी? मुझे घर भी जाना है। क्या मैडम ने आपको फुल टाइम गवर्नेंस नहीं रखा? जी नहीं। बाबा को तो फुल टाइम गवर्नेंस चाहिए। देखिए, आप प्लीज उन्हें कॉल करें। आयान कितना रो रहा है, मैं इसे कब तक चुप कराऊंगी? वो माँ है, बच्चे को माँ की गोद भी चाहिए होती है। देखिए, मैडम साहब के साथ बाहर गई है, हो सकता है मसरूफ हो, आप थोड़ा इंतजार कर लें प्लीज। हेलो, हाँ बेटा, परेशान मत हो, बस मैं आ रही हूँ अभी। देखो, मेरे अपने बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। आप मैडम को सॉरी बोल दीजिएगा, मैं ये जॉब नहीं कर सकती। क्या कह रही हैं मिस मारिया? देखें, वो तो ये भूल चुकी हैं कि घर में उनका एक बच्चा भी है, लेकिन मैं ये नहीं भूली, मेरे बच्चे मेरा घर पे इंतजार कर रहे हैं। मैं जा रही हूँ। मिस मारिया, मिस मारिया, क्या करूँ? आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी लग रहा है जैसे हमारी अब शादी हुई। जानती हो, जब दो लोगों की सोच एक जैसी हो जाए ना, तो फिर उस बंदे की कंपनी में भी मजा आता है और उसकी बातों का। मैं चाहता हूँ तुम बिल्कुल मेरे जैसी हो जाए। क्या मतलब? जिंदगी जो है ना, वो चंद दिनों की है, बस खेल के एंजॉय करके गुजारना चाहिए। ये जो फूल होता है, ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए खूबसूरत होता है, जब वो मुरझा जाता है तो कोई भी नहीं कहता कि ये खूबसूरत फूल था। सही कह रहे हैं। मैं भी जब कॉलेज में थी ना, तो ऐसे ही सोचती थी। तो फिर